जय श्री गुरुदेव मित्रों, मैं आनंद दुर्गेश आप सभी संगीतकारों का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग ताल दादरा के बारे में जानेंगे। दादरा ताल क्या है, कितने मात्रा की ताल है, कौन सी मात्रा पर खाली है और कौन सी मात्रा पर ताली है, ये आज आपको मैं बताने वाला हूं पूरा डिटेल में। पूरा वीडियो देखिएगा, इस ढंग से बताऊंगा कि कभी आप लोग नहीं भूलेंगे। ताली देकर बताऊंगा और कुछ प्रैक्टिस भी बताऊंगा इस ताल की, ताकि कुछ अलंकारों की आप प्रैक्टिस करेंगे इस ताल में तो ज़रूर आपकी ताल बिल्कुल पक्की हो जाएगी और बोल भी आपको याद हो जाएंगे। मैंने कुछ गीत आपको बताए हैं ताल दादरा में गा करके। तब आप लोगों ने पूछा था कि दादरा ताल पर वीडियो बनाया जाए, इसके शब्द क्या हैं, बोल क्या हैं, कौन सी मात्रा पर खाली है, कौन सी पर ताली है, ये समझ में नहीं आता है। तो आइए पहले इसके बोल समझ लेते हैं एक चार्ट के माध्यम से, टेबल के माध्यम से। तो नीचे देखिए एक चार्ट आ रहा है, इसमें दादरा ताल के बोल लिखे हुए हैं, धा दीना धा तीना। इसको पहले नोट कर लीजिए, छः मात्रा की ताल है। यदि इसकी हम डेफिनेशन की बात करें तो ताल दादरा मात्रा छः भाग दो, पहली मात्रा पर ताली और चौथी मात्रा पर खाली, और बोल है इसके धा धीना धा तीना। आइए इसको तबले के साथ समझते हैं। मैं आपको ताली देकर के बताऊंगा हाथ में कैसे आपको प्रैक्टिस करनी है। आइए देखते हैं। तो जैसा कि आप अभी सुन पा रहे हैं, दादरा ताल यहाँ पर प्ले हो रही है, छह मात्रा की ताल है, इसके बोल है जो अभी बज रहे हैं इसमें, धा धीना धा तीना धा धीना धा तीना। तो तीना का साउंड यदि आप सुनेंगे तो स्पष्ट आपको सुनाई देगा, बहुत पतली आवाज आ रही चाटी के बोले में। देखिए धा धीना धा धा तीना धा धीना धा तीना। हाथ पे देखते हैं, धा धीना धा तीना धा धीना धा तीना धा धीना धा तीना। एक दो तीन चार पाँच छ, एक दो तीन चार पाँच छ, एक दो तीन चार पाँच छ। तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। तो ध्यान से सुनना है, किसी भी ताल को यदि बिठाना है दिमाग में, उसको उसके शब्द को समझना है, तो आप बहुत बारीकी से बहुत ध्यान से सुने उस शब्द का साउंड क्या है। यदि आप वो साउंड समझ गए तो आप कभी नहीं भूलेंगे। धा का साउंड अलग है, धिन का साउंड अलग है, ता का साउंड अलग है, तिन का साउंड अलग है। तो ये थोड़ा सा ध्यान से आपको सुनना है, ईयरफोन लगा करके सुने, ताकि बहुत बारीकी से आप उसको पकड़ पाए। अब इसके साथ आपको प्रैक्टिस क्या करनी है वो समझ लीजिए। ताल आपको प्ले करना है और इसमें तीन तीन स्वर के, तीन तीन नोट्स के ग्रुप को आपको गाना है इसी ताल में। छह मात्रा की ताल है, दो भाग है, तीन मात्रा इधर है, तीन मात्रा इधर है, राइट। अब आपको ऐसे अलंकार लेना है, ऐसे पलटे लेना है जिनमें तीन तीन नोट्स हैं। जैसे सा 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 रे 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 गा 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 मा 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 पा 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 धा 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 नी 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 सा सा सा, इस तरीके से। या फिर सारे सारे गा रे गा मा गा, मतलब तीन तीन का ग्रुप होना चाहिए। आइए प्रैक्टिकली समझते हैं, ये दादरा ताल यहाँ पर प्ले हो रही है, अब देखते हैं इसको प्रैक्टिस कैसे करना है आपको। धा धीना धा तीना धा धीना धा तीना सा 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 रे 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 गा 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 मा 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 पा 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 धा 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 नी 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 सा 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 नी 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 धा 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 पा 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 मा 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 गा 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 रे 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 सा सा सा। तो इस तरीके से आपको तीन तीन के ग्रुप के अलंकार लेने हैं। मैंने दादरा ताल की प्रैक्टिस के लिए कुछ अलंकार बताए हैं आपको, जिनके लिंक मैंने नीचे दे दिया, वहां से आप देख सकते हैं। बहुत सारे अलंकार बताए मैंने दादरा ताल में प्रैक्टिस करने के लिए। तो दादरा ताल को समझने के लिए ये डिटेल आपको पता होना चाहिए, उसमें कितनी मात्राएं होती है, कितने भाग होते हैं और कितने बोल होते हैं उसमें। तो छह मात्राएं होती है, 1 2 3 4 5 6। तीन के बाद में आपकी चौथी जो मात्रा है वो सेकंड भाग में है, दो भाग होते हैं इसमें, ठीक है।
पहला और दूसरा भाग, पहले भाग में तीन मात्रा और नेक्स्ट जो भाग है सेकंड उसमें तीन मात्रा। पहली मात्रा पर ताली आपको देनी है जिसमें सम कहलाता है, और चौथी मात्रा जो है वो खाली कहलाती है जिसमें आपको ऐसे खाली हाथ दिखाना होता है। धा धी ना, धा ती ना, ये इसके बोल है। धा धी ना, धा ती ना। अब ये जो काउंटिंग है, ये जो बीच की मात्रा है, इनको ऐसे हम काउंट करते हैं। ताली हमने यहाँ पर दी तो उसमें जो आगे की मात्रा है वो यहीं पे काउंट करेंगे। जैसे धा धी ना, उसके बाद सेकंड भाग की धा ती ना। अब धा ती ना ये खाली हाथ दिखाया तो काउंटिंग भी इधर होगी। कुछ लोग क्या करते हैं, धा धी ना धा ती ना, धा इधर बोल देंगे और टीना यहाँ पर काउंट करेंगे। ऐसे नहीं करना है, जिधर हाथ जाएगा उधर ही काउंटिंग होगी। अगर खाली में हाथ जाएगा तो खाली में काउंटिंग होगी, और ताली में हाथ जाएगा तो ताली में काउंटिंग होगी, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये सिंपल दादा ताल, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी। अगले वीडियो में कुछ और भी ताले हम लोग देखेंगे, एक ताल झप ताल वगैरह। तो चैनल के साथ बने रहें, अगले वीडियो में नए अंदाज में नई जानकारी के साथ फिर से आपसे मिलता हूँ। तब तक के लिए जय श्री गुरुदेव।